Hi children, this is Achilles Sir with a new video of chapter number 4: Materials, Metals and Nonmetals. In this video, we will continue with the topic of chemical properties of metals and non-metals. In the previous video, we understood about the reaction of metals and non-metals with oxygen. And now इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वाटर जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने धातु तत्वों और अधातु तत्वों का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया कैसे होता है वो समझा था और अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि धातु तत्व और अधातु तत्व पानी के साथ कैसे रासायनिक प्रक्रिया करते हैं मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन वाइल मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एज़ फार एज़ नॉन मेटल्स आर कंसर्न नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर धातु तत्व जब पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन भी बनाते हैं उदाहरण के लिए जब सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है इसके अलावा जब मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है और जहाँ तक बात है अधातु तत्वों की तो अधातु तत्व पानी के साथ कोई रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं नाव वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स और अब हम धातु तत्वों की और अधातु तत्वों की एसिड के साथ होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को समझेंगे मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट्स with dilute hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen most nonmetals do not react with acids some nonmetals like sulfur reacts with concentrated nitric acid to form sulfur dioxide nitrogen dioxide and water Dhatu tattva, jab एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं उदाहरण दिया हुआ है कि जब जिंक धातु मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानि कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है रासायनिक प्रक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड एक मेटालिक सॉल्ट है जिंक क्लोराइड को बनाता है और साथ में हाइड्रोजन भी बनाता है लेकिन जहां तक बात है अधातु तत्वों की तो ज्यादातर अधातु तत्व एसिड के साथ कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करते हैं लेकिन कुछ अधातु तत्व जैसे कि सल्फर सल्फर सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है व्यूवर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें